दोस्तों स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मामा अर्थ के बारे में। इस कंपनी की बात करें जो कि होनासा कॉस्मेटिक्स आप कह सकते हैं, जो कि मामा अर्थ के नाम से एक कंपनी जानी जाती है। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन मार्केट खुलते ही दोस्तों आप कह सकते हैं 20% का जो कि लोअर सर्किट लग गया। बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में ऑलरेडी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस टाइप से मतलब जिस टाइम पे कंपनी आई थी तो उस टाइम पे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी को थोड़ा सा खास रिस्पांस मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे दोस्तों वो रिजल्ट अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये वाला जो रिजल्ट इनका देखने को मिला इसमें कंपनी सीधा लॉस भी चली गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि मार्केट में किस टाइप से मतलब कि वर्क होते हैं, मार्केट किस टाइप से वर्क करता है। आप कह सकते हैं किसी भी टाइम आपका पैसा मतलब कि 20-30% 50% डाउन भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी अगर आपके पास है कि मतलब जो कि आप चाहे तो उसके बिजनेस को जानते हैं, उसको आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मामा अर्थ की अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंस गए हैं, फ्यूचर में भी हो सकता है कि फंस सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वो मेरा ओपिनियन रहेगा, आपको क्या लगता है आपको कमेंट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि कब तक लोअर सर्किट रहेगा, कब इस स्टॉक में तेजी आएगी, 50% तो हमारे पैसे डूब गए, क्यों इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हो। सारे डाउट्स आज हम क्लियर कर देंगे। हम आ गए होनासा कंज्यूमर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 20% का लोअर सर्किट लगते हुए दिखा है। क्या ये पहली बार लगा है? हाँ दोस्तों, अगर इसको आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो ये पहली बार और आज के दिन ही लगा, जो कि 22% की कंपनी 5 दिन में डाउन होते हुए दिख रही थी। एक महीने के चार्ट कैसे, तो एक महीने में देखिए लगभग 30% की कंपनी डाउन हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए फंसता कौन है मार्केट में? एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर ही मार्केट में फंसते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्यों फंसते हैं? जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, ऑलरेडी उनको पता चल जाता है कि देखिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप अनाउंसमेंट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल DIs के साथ उनकी मीटिंग होती है कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो। तो आपको पता है दोस्तों कि उनको पास तो एक बड़ा प्लेयर है, वो उन्होंने किसी कंपनी में 100-200 करोड़ का निवेश किया, तो उनको तो पहले बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे, वो सेल कर देंगे। हालांकि जैसे ही वो बता देते हैं दोस्तों क्या होने वाली, उनको सारी चीज़ें पता रहती है और फिर जो जा करके मतलब एक मार्केट में एक मतलब कि हैवी सेलिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसके कारण आप कहेंगे तो एक महीने में ये कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि FISDIs को पहले से ही देखने को मिलता है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 6 महीने के चार्ट को, तो 29% की कंपनी डाउन हो चुकी है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने हो सकता है कि इस कंपनी में टॉप पे निवेश भी किया हो। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई देखने को लगभग 547 रुपये है। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप 5 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी जितना भी मतलब प्राइस पे लिस्ट हुई थी उससे भी कंपनी डाउन होते हुए दिख रही, लगभग 7-6% के आसपास। अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 50% के आसपास अभी ये डाउन होते हुए दिख रही है। मतलब 50% एग्जिट नहीं कर सकते, रफली आप पकड़ेंगे 50% देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब कि गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, तो कॉस्मेटिक्स आइटम से रिलेटेड कंपनी काम करती है। फ्यूचर में भी और गिरावट हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कॉस्मेटिक्स में ये कंपनी जस्ट अभी आई हुई है। हालांकि इनके कुछ नए ब्रांड हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिले, जिसके कारण ये कंपनी थोड़ा जानी जा रही है। फिर भी देखा जाए तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये कंपनी का जो लो आफ्टर रिपोर्टिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी लॉस में चली गई, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 52-week low भी लगा दिया कंपनी ने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही जो कंपनी का लॉस इन 5 quarters से कंपनी लॉस, मतलब जो कंपनी इसके पहले जो क्वार्टर थे दोस्तों उसमें प्रॉफिट थी, लेकिन अभी इस कंपनी में जो आप कह सकते हैं कि लॉस देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। इनके रिजल्ट जो है कि ख़राब हो गए, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि लोअर सर्किट भी देखने को मिला है। हालांकि और कितनी गिरावट होगी दोस्तों ये तो मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 50% ये स्टॉक अभी डाउन होते हुए दिख रहा है। सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसके बाद ब्रोकरेज बहुत सारे एनालिस्ट मार्केट में पड़े रहते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। उनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो EMK ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। लगभग 50% इस कंपनी का टारगेट जो कि मतलब बताया है, मतलब जिस प्राइस पे कंपनी चल रही है वहाँ से आप कह सकते हैं 50% के आसपास और भी गिरते हुए दिख सकती है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि मतलब 35% ऑलरेडी कंपनी डाउन हो चुकी है। एक्सपेक्टेशन जो है लगभग 9-16% के आसपास उन्होंने मार्जिन्स कट बताया है। बहुत सारा मतलब कि देखा जाए दोस्तों इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर EMK ग्लोबल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो जो है कि इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है सेल फ्रॉम बाई से। सेल पहले बाई किया था, उसके बाद अभी सेल की टारगेट दे रहे, लगभग 50% ये कंपनी और भी डाउन, मतलब इसका जो रिजल्ट देखने को मिला सही है Q2 के रिजल्ट को देखने के बाद 50% डाउन बता रहे हैं। तो कहाँ तक गिर सकता है, तो सबसे पहले अगर मैं कहाँ तक गिर सकता है तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग आप देखें तो बहुत सारा मतलब कि इन्होंने बताया है दोस्तों
लगभग आप कह सकते हैं कि पहले 600 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया था, जो कि बाइक का टारगेट दिया था, उसके बाद अभी 300 रुपये कर दिया, मतलब 50% इन्होंने डाउनग्रेड किया है। कंपनी कहाँ पे चल रही, 300 के नीचे भी चल रही थी, क्या टारगेट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें भी मार्केट में थोड़ा सा मतलब कि देख सकते हैं किस टाइप से वर्क हो रहा है। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी इस स्टॉक में आप पैसा न लगाएं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि दोस्तों कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, उस टाइप से आप कहेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, बहुत हैवी कंपटीशन भी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो अगर कंपनी के बिजनेस को आप समझेंगे दोस्तों, तो कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही कंपनी बिजनेस कर रही है दोस्तों। हालांकि आप कह सकते हैं कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे जगह पे मिलते हुए भी दिख जाएंगे इनके प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके लो प्रमोटर अपने माल को चिपका के बेचते ही जा रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे डेट भी इनके ऊपर कुछ इतना खास तो है नहीं, फिलहाल देखा जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट में इतना कुछ खास दम नहीं, जिसके कारण प्रमोटर भी तो माल बेच रहे हैं, ये भी तो चीज़ें नोट करने वाली बात है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले इनके सेल्स ग्रोथ को देखेंगे, तो पहले जब कंपनी का आईपीओ आना था दोस्तों, तो कंपनी के आईपीओ के टाइम पे कितना इनका सेल चल रहा था, अच्छा था, प्रॉफिट भी इनका अच्छा था दोस्तों। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसा कि हमने आपसे बताया कि 5 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पहले 5 क्वार्टर से 1, 2, 3, 4 और एक ये रहा 5, और 6वां क्वार्टर में कंपनी लॉस में आ गई। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीधा कंपनी लॉस में आते हुए दिखी, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। हाँ, यहाँ पे क्या करें, अभी प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास मतलब ये बेचते ही जा रहे हैं, इस चीज़ को नोट करो। पहले जब ये आईपीओ लेके आए थे तब भी इनके पास 35% का स्टेक था, और अभी देखा जाए तो 34%, मतलब इसमें भी 0.09% के आसपास इन्होंने सेल कर दिया। FIs की बात करें तो उन्होंने बाइंग किया है, एक हैवी बाइंग किया है। हालांकि वहीं पर अगर मैं DIs की बात करूँ, DIs के पास भी स्टेक देखने को मिलता है, और रही बात पब्लिक की अगर बात करूँ, पब्लिक के पास भी स्टेक देखने को मिलता है, हालांकि पब्लिक ने सेलिंग किया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी बाइंग नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। आपको लगता है अगर FIs DIs इस स्टॉक में लगा रहे हैं, फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ है, देखिए कंपनी के प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में दम होता दोस्तों, तो कंपनी एक प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में कैसे चली जाती, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इनके जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट थोड़ा सा मतलब कि इस क्वार्टर में ये प्रॉफिट लॉस में है, तो आने वाले समय प्रॉफिट में आ जाए, तो वॉलेटाइल वाला होगा दोस्तों। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कंपनी थोड़ा सा मेरे पॉइंट से फिट नहीं बैठती। बाकी आपको क्या लगता है, हमको कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वॉलेटाइल वाला है, तो वॉलेटाइल वाली भी अपने को कंपनी नहीं चाहिए। तो हालांकि मेरे पॉइंट से देखिए, मेरा मानना है, आपको क्या लगता है चाहे आपको कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है 250 से 200 रुपए के बीच में ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तेज़ी की बात करें तो अभी इसके ऊपर जाने के कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि यही 300 से 250 के बीच में ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।